dear students, all of you. So, my dear students, today's subject is a grammar. Today's subject is a grammar. Do you like the grammar? Okay, I hope you like the grammar subject. Okay. So today we will learn about the nouns. Today we will learn about the nouns. So, first of all, I have one question. Tell me, what is mean by noun? What is mean by noun? You know any idea about the noun? Okay. So I tell you some carefully. See here. Suppose this is a book. This is a book. This is a box. This is a duster. I am a teacher. Suppose I am a teacher. This is my book. My name is Anisha. देखिए यहाँ पे I am a teacher. This is my book. This is my book. My name is Anisha. So मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? What is mean by noun? What is mean by noun? देखिए यहाँ पे I am a teacher. ये सेंटेंस कब पूरी हो गई? हम बोलते समय I am a teacher ऐसे बोलते हैं. लेकिन मेरी सेंटेंस कब पूरी होगी? I am. मैंने सिर्फ I am कहा था तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं. लेकिन मैं जब टीचर बोलने वाली हूँ और टीचर बोलूँगी तब आपके ध्यान में आएगा. तो मेरी जो क्या इंट्रोडक्शन थी, कोई और मुझे किसी के बारे में भी आपको कोई बताना हो तो इसको हम कोई तो नेम देते हैं. यानी कि आई एम अ टीचर. तो मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा? टीचर. दिस इज माय बुक. यहाँ पे बुक ही नहीं होता तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है, पूरा होता है नहीं. दिस इज माय होता है नहीं. तो दिस इज माय बुक. एंड फर्स्ट सेंटेंस इज अ माय नेम इज अनिशा. तो मैंने यहाँ पे अनिशा पढ़ ही नहीं लिखा होता तो माय नेम इज क्या हमारा नाम है और उस अनिशा को हम किस नाम से पुकारेंगे? नहीं ना. तो क्या होता है कि उस एक जो थिंग्स है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, इसकी जो इंट्रोडक्शन लेने के लिए, इसकी जो हमें उनके साथ हमारी जो यानी कि क्या, तो जो भी व्यक्ति हो उसको कोई नाम दिया जाता है और उसी नाम से वो व्यक्ति क्या होती है हमें सभी को मालूम हो जाती है. तो क्या देखिए यहाँ पे टीचर, बुक, अनिशा, ये जो तीन वर्ड्स है इस वर्ड्स की वजह से सेंटेंस का मीनिंग भी पूरा हो गया है और यहाँ पे जो व्यक्ति है, वस्तु है, इनकी क्या हो गई है तो विशेष विशेष ऐसे क्या हो गई है उनकी हमें इंट्रो हो गई है. यानी कि नाउन मीन्स व्हाट एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस. कहा जाता है
नाम, उसके बाद हम उसके टू टाइप्स जानने वाले हैं। फर्स्ट इज अ कॉमन नाउन एंड सेकेंड इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखिए, रमेश इज ए गुड बॉय। द सेंटेंस हियर राइट, द सेंटेंस रमेश इज अ गुड बॉय। यहाँ पे नाउंस कौन कौन से आ गए हैं? देखिए यहाँ पे टू नाउंस आ गई है। फर्स्ट इज अ बॉय एंड सेकेंड इज अ रमेश। तो आप मुझे बताओ इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है? वो चीज तो कॉमन नाउन है, वो चीज तो प्रॉपर नाउन। सो फॉर ये स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बॉय इज अ कॉमन नाउन, बॉय इज अ कॉमन नाउन, बट रमेश इज अ प्रॉपर नाउन, रमेश इज अ प्रॉपर नाउन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो, उसे जो कॉमनली नाउन दिया जाता है उसे कॉमन नाउन, बट जिसे प्रॉपरली नाउन यानी कि सपोज राधा इज अ गुड गर्ल, सो राधा इज अ प्रॉपर नाउन, बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। ओके, मलकापुर इज अ क्लीन विलेज, सो विलेज इज अ कॉमन नाउन, बट मलकापुर इज अ प्रॉपर नाउन। Understand the difference between the common noun and proper noun? So common noun refers to things, places or persons in a general way. So what is the definition of common noun? Common noun refers, common noun refers to things, animals, things, animals, places, or sorry, common noun refers to things, persons, or places in a general way. In a general way. So it is called the common noun. Then proper noun. The proper noun refers to specific places or persons. Suppose Radha is a specific noun of the girl. Malkapur is a specific noun of village. Ramesh is a specific noun of the boy. Boy is a common noun, but Ramesh is a proper noun. Girl is a common noun, but Radha is a proper noun. And village is a common noun, but Malkapur is a proper noun. This is the difference between the common noun and proper noun. So proper noun refers, proper noun refers, proper noun refers to specific persons, places, or things. This is called the proper. Understand the difference between the common noun and proper noun? So noun means